हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का नाम है अंधेरा। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस डरावनी भूतिया कहानी को। बिहार राज्य के मधुबनी शहर का रहने वाला अजय, जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल थी, वो अचानक अपने घर से हफ्तों गायब रहा। एक हफ्ते तक परिवार वालों की कोशिश नाम भर रही और एक हफ्ते बाद अजय खुद अपने घर को वापस आ गया। परिवार वालों को काफ़ी आश्चर्य हुआ कि आखिर अजय कहाँ चला गया था। अपने घर को आने के बाद अजय से जब उसके परिवार वालों ने उससे पूछना चाहा, तो उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। वो यही कह रहा था कि मुझे कुछ नहीं मालूम और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक महीने बाद उसके परिवार वालों ने गौर किया कि अजय के स्वभाव में बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहा है। अब वो अजय पहले वाला अजय नहीं रहा, वह थोड़ा बदल सा गया है। वह अपने पढ़ाई में भी मन नहीं लगा रहा था और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सोने में ज़ाया कर रहा था। यह अजीब बात इसलिए थी कि अजय पहले कभी ऐसा नहीं करता था, लेकिन इस बार वो अपने से विपरीत काम कर रहा था। जब उसके परिवार वालों ने देखा कि अजय अपना पूरा वक्त बर्बाद कर रहा है, तो उसे पढ़ने के लिए उन्होंने उसे पटना भेजने का फैसला कर लिया। कुछ ही दिन बाद घर से अजय पढ़ने के लिए पटना आ गया। पटना में आकर अजय ने किराए पर एक रूम लिया, जिसमें उसे एक और रूममेट मिल गया जो अजय के साथ ही रहता था। अजय के इस नए दोस्त का नाम शाहिद था। वो भी अकेले ही रहता था, पर उसे अब अजय का साथ मिल गया था। उसने सोचा कि साथ में रहकर हम दोनों की पढ़ाई अच्छी तरीके से पूरी हो जाएगी। पर आगे शाहिद के साथ जो घटना घटी, वो हर एक किराए पर रहने वाले छात्रों के लिए एक खौफनाक संदेश है, जो आगे आने वाले खतरे से उन्हें अवगत करा रहा है। और अब अजय के साथ रहते अब महीने बीत चुके थे, पर अचानक एक दिन रात को शाहिद के होश उड़ गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, उसके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि शाहिद ने उस रात जो देखा और महसूस किया, वह सिर्फ शाहिद ही समझ सकता है। शाहिद और अजय जब रात को एक ही बेड पर सोए हुए थे, तो उस समय रात के 1 बज रहे थे, दोनों चैन से सोए हुए थे। पर अचानक ही शाहिद की नींद आधी रात को खुल गई। कमरे की बत्तियां बुझी हुई थी, पर बाहर से आ रही चांद की रोशनी से कमरे में थोड़ी सी प्रकाश तो जरूर थी। नींद के अचानक खुलते ही शाहिद उठकर अपने बिस्तर पर बैठ जाता है और अपने दोनों हाथों से आंखों को मलता हुआ, जब वो अपने दोस्त अजय की ओर देखता है, तो डर से उसके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शाहिद देखता है कि अजय उसकी ओर ही अपना मुंह करके सोया हुआ है और उसकी दोनों आंखें खुली हुई हैं, मानो वो सोया ही ना हो। उसकी पलकें नहीं झपक रही थी और वो डरावनी लाल आंखें बेहद ही खौफनाक थी। शाहिद तुरंत अपने बिस्तर से उठकर कमरे में लाइट को जलाता है। लाइट जलने के बाद जब शाहिद अजय को देखता है, तो पाता है कि अजय पूरी तरह से नींद में है और वह बिल्कुल ठीक है। यह बात शाहिद को बहुत अजीब लगी। फिर शाहिद ने सोचा शायद कोई बुरा सपना होगा, और यह सोचकर
वो लाइट को बुझाकर फिर से उसी कमरे में अजय के साथ सो जाता है। तकरीबन आधे घंटे सोने के बाद शाहिद की नींद फिर से खुल जाती है। इस बार शाहिद जब अजय की ओर देखता है तो इस बार अजय अपने बेड पर नहीं था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। शाहिद काफ़ी घबरा जाता है और अजय को उठाने की कोशिश करने लगता है। शाहिद जैसे ही अजय को हाथ लगाता है, अजय तुरंत ही उसके हाथों को दांतों से काट देता है, जिससे शाहिद के हाथों से खून बहने लगता है। अजय के चेहरे को देखना शाहिद को बहुत डरावना लग रहा था। वो पल बहुत डरावना था क्योंकि उस समय अजय के चेहरे की बनावट बहुत बदल चुकी थी और उसका व्यवहार भी बहुत अजीब सा हो गया था, मानो उस पर किसी प्रेत का साया हो। काफ़ी शोरगुल होने के बाद किराए पर रहने वाले बाकी सभी लोग जाग जाते हैं। वह लोग भी अब अजय के इस हालत को देखकर बहुत डर जाते हैं। अजय वहीं पर सोया हुआ है और उसकी तबीयत बिगड़ी हुई है। लोग उठाकर उसे वहीं के अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। रात ख़त्म होते होते तक अजय के परिवार वाले भी उस अस्पताल तक पहुंच ही जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद शाहिद ने अपनी सारी आप बीती उसके परिवार वालों को सुनाई। अजय के परिवार वालों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि अजय ने ऐसा जरूर किया होगा, क्योंकि उसकी तबीयत घर से ही ऐसी थी और उसके परिवार वालों ने अजय की सारी कहानी शाहिद को बताई। लेकिन शाहिद उसी दिन से ही अजय के साथ रहना छोड़ दिया और वहाँ से चला गया, क्योंकि शाहिद ने जो देखा वो सिर्फ तबीयत खराब होने वाली बात नहीं थी। जैसा कि शाहिद ने बताया कि उस रात शाहिद को ऐसा लगा कि मानो वो किसी आत्मा के साथ सोया हुआ हो, क्योंकि एक आदमी के साथ सोना और एक प्रेत के साथ सोना, दोनों की अनुभूति बहुत अलग होती है, जिसे सिर्फ मैं क्या हर कोई महसूस कर सकता है। भाई बात अलग है, अभी तक तो आदमी के साथ तो सोए नहीं है और तुम आत्मा के साथ सोने का बात कर रहे हो। तो कहानी अगर पसंद आई है तो लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो इस जो भी है इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और गजब की बात बोलते हो यार, आदमी यहाँ इंसान के साथ सोना नसीब नहीं होता है, तुम बोलते हो आत्मा के साथ सो गए। गजब की बात है। वैसे एक बात बता यार, ये जो आज का कहानी है इसको इसका जो राइटर है वो इतना ख़राब राइटर है कि क्या बताएं। मतलब कि बात ऐसा हुआ कि जब इसको रीड कर रहे थे तो इतना सारा स्पेलिंग मिस्टेक देख देख के हम परेशान हो गए कि हमको कितना वीडियो एडिट करना पड़ेगा। बाप रे, कहाँ कहाँ मिस्टेक करवाया है, ये ढंग से रीड भी नहीं कर पा रहे थे, इतना मिस्टेक किया है। पता नहीं कौन है इसका राइटर, कौन है भैया, कहाँ है, दिखाओ दिखाओ राइटर का नाम, दिखाओ बताओ। राइटर का नाम भी नहीं बता रहा है, कुछ नहीं बता रहा है। राइटर का नाम बताए दो चार सुनाए उसको, कहाँ कौन सा, अच्छा हाँ क्या नाम है, प्रत्यूष, गजब नाम है। क्या है यार, ढंग से लिखा करो, तुम्हारी बाकी की कहानियाँ तो ठीक थी बे, एक दो जो तुम भेजे रहे इसमें क्या कर दिए, गांजा बुक के दिए थे का, गांजा फूक लिए थे ये कहानी लिखते समय, इतना गड़बड़ किए हो कि का ही कहें। हिंदी के टीचर होते तो 100 में से -100 दे दिए रहते, गलती के कारण नंबर काटते 100 अलग, भले बाकी सब सही होता। रहने दो, हॉरर वीडियो बनाने का है धंधा, पसंद आता है तो कर लो सब्सक्राइब, ना क्या ही कहा जाए यार, रोज़ रोज़ अपना अपलोडिंग तो काम है। चलो चलते हैं, टट्टा बाय बाय।